सरकार में हमारे साथी और शिलाई से पहली बार, पहले इनके पिताजी मंत्री थे, आज पहली बार उनके सुपुत्र को मंत्री बनने का मौका मिला। श्री हर्षवर्धन चौहान जी, सम्मानित हमारे रेणुका क्षेत्र से विधायक, और आजादी के बाद भी पहली बार इनको उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर बनने का संवैधानिक पद मिला। माननीय श्री विनय कुमार जी, इस क्षेत्र के विधायक, और हमारे छोटे भाई श्री अजय सोलंकी जी, हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानित श्री कर्मेश जंग जी, इस क्षेत्र से पूर्व विधायक अजय बहादुर जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे आनंद परमार जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान चौधरी जी, हमारे असगर अली जी निदेशक जुगिंद्रा बैंक, श्रीमती नसीमा बेगम जी निदेशक खाद्य पूर्ति निगम, नासिर रावत जी पूर्व पीसीसी सदस्य, ब्रिजराज ठाकुर जी पीसीसी सदस्य, रुपिंदर ठाकुर जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और रुपिंदर ठाकुर जो कि अतिरिक्त महाधिवक्ता कांग्रेस है, सीताराम शर्मा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, अश्विनी शर्मा जी ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कमला चौहान जी पूर्व जिला परिषद सदस्य, समस्त पंचायती राज सभा के पदाधिकारी, एनएसयूआई के पदाधिकारी, मंच पर विराजमान हमारे साथी विश्वराज चौहान जी, तुपेंदर जी, सभी सम्मानित इकबाल जी, शिव यूथ कांग्रेस के हमारे जनरल सेक्रेटरी शिवराज जी, सम्मानित एनएसयूआई युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सभी पदाधिकारी, पत्रकार बंधुओं और दूर दराज के क्षेत्र से आए मेरे सभी सहपाठी, हमारे युवा कांग्रेस के एनएसयूआई के सभी पदाधिकारी, पंचायतों के प्रधान और आपदा प्रभावित परिवारों के सदस्य, एक वर्ष पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, चुनौतियां बड़ी थी, और मुझे पहली बार जब जीवन में मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, उससे पहले मैं कभी जीवन में मंत्री भी नहीं रहा था, तो सबसे पहले सवाल आया कि प्रदेश को कैसे चलाना है। सबसे पहले ही दिन मेरे पास, जब पैसों के मामले में आंकड़ा रखा गया, राजस्व के मामले में आंकड़ा रखा गया, तो ये पाया कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है, और प्रदेश आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा है। मैंने कहा कि ऐसी स्थिति क्यों बनी, उन्होंने कहा कि पिछली कई सालों से हमने अपने राजस्व की तरफ ध्यान नहीं दिया और हम सरकारें कर्ज पर कर्ज लेकर चलाते रहे। मैंने उनसे पूछा, ये तो कांग्रेस की सरकार आ गई है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती तो क्या करती, वो तो अपने आप को डबल इंजन की सरकार कहते थे, केंद्र में उनकी सरकार थी। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 2022-23 में 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा था, अब अगले दिनचर्या के काम करने के लिए और सरकारी कर्मचारियों को और अधिकारियों को वेतन देने के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था। उन हालात को हमने समझा और उस पहले दिन से मैंने प्रण किया कि हम हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर हिमाचल प्रदेश की ओर ले जाएंगे। आकलन आया, हमारी आय 100 रुपया है, खर्चा 170 रुपया है, तो 70 रुपया तो हमें कर्ज उठाना ही पड़ रहा है,
लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने कहा कि जब वो अगर उनकी भी सरकार आती वो भी कर्जा उठाते तो आज इन चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें भी कर्जा उठाना पड़ा। लेकिन ध्येय आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ था। धीरे धीरे मैंने पहला बजट प्रस्तुत किया और पहले ही बजट में हमने अपनी दिशा तय कर दी। उस बजट में आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी गई और आज एक वर्ष बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चार साल में 2027 तक हिमाचल प्रदेश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा और आने वाले 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे समृद्धशाली और अमीर राज्य होगा। और जब 3 ऐतिहासिक फैसले हमने किए एक वर्ष में, हमने एक वादा किया था अपने सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी अधिकारियों को, जिन्होंने हिमाचल में विकास की गाथा लिखी है, कि हम उन्हें सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाएंगे। क्योंकि कोई भी स्कूल बना, कोई भी एसडीएम का कार्यालय बना, डीसी का कार्यालय बना, सड़क बनी, पानी की पीने की योजनाएं आपके घर तक पहुंची, उसमें कहीं ना कहीं सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों का योगदान है। और उस वादे को पूरा करने के लिए जब हमारी पहली कैबिनेट बनी, मेरे साथ ही हर्षवर्धन चौहान जी, हम सब लोग विश्वविद्यालय में इकट्ठे पड़े हैं, साथ में थे, हमारे पास कहा गया कि अगर आप इन सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे तो साल में 1,000 करोड़ रुपए का आर्थिक बोझ पड़ेगा। फिर हमने कहा कि क्या सरकारी कर्मचारी और जो अधिकारी है उनका सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। जब 1,000 करोड़ रुपया आने वाले साल में हम पर पड़ेगा, हमने दृढ़ निश्चय किया कि जो बुढ़ापा है उस बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, एक अश्योर्ड इनकम मिलनी चाहिए। और 9,000 करोड़ इन सरकारी कर्मचारियों का केंद्र सरकार के पास एनपीए के रूप में पड़ा है और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को अर्थात आर्थिक बदहाली के बाद भी उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम दी, जिसे आज हमने लागू किया। ये इसलिए नहीं किया कि हमें इनसे राजनीतिक वोट चाहिए। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और चुनाव खत्म होने के बाद हम ये बात हम कहते कि 4 साल बाद पूरा करेंगे, क्योंकि हम चुनकर तो 5 साल के लिए आए हैं। लेकिन मेरे मन में एक विश्वास था, क्योंकि मैं भी सरकारी कर्मचारी का बेटा हूं, मैंने सोचा जो बेचारे अभी रिटायर होंगे उनको क्या मिलेगा। और आज जो व्यक्ति रिटायर हुए हैं, जिन्हें एनपीए के रूप में 2750 रुपए मिलते थे, 500 के करीब सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हुए, आज 25,000 से 30,000 रुपया पर मंथ ओल्ड पेंशन स्कीम के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। यह पहला ऐतिहासिक निर्णय था। इस ऐतिहासिक निर्णय के बाद शपथ ग्रहण समारोह के समय एक रिवाज है कि हम सचिवालय जाते हैं, सारे सरकारी कर्मचारी अधिकारी सचिवालय में उनका स्वागत करते हैं। मैंने उस व्यवस्था को परिवर्तन किया और मैं उन बच्चों के पास गया जो बच्चे अपनी माता को खो चुके थे, अपने पिता को खो चुके थे, वो अनाथ हो चुके थे,
कई बच्चे ऐसे भी थे जो अपने चाचा जी के पास रहते थे, अपने मामा जी के पास रहते थे, पढ़ने में तेज थे लेकिन अधिक पढ़ ना सके। उस दूसरा ऐतिहासिक निर्णय हमने ये किया कि जो भी बच्चा अपनी माता को खो चुका है, जो भी अपने पिता को खो चुका है, उनको सरकार चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा देगी, सारा खर्चा सरकार अपने माँ पर बांध देगी। उसके लिए विधानसभा में पहला, हिंदुस्तान का सबसे पहला कानून बनाया और आज उस कानून के माध्यम से 4000 अनाथ बच्चे, चाहे वो चाचा जी के पास रह रहे हैं, मामा जी के पास रह रहे हैं या अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, उन्हें उनका सब पढ़ाई का खर्चा सरकार उठा रही है। उस कानून के तहत उन बच्चों को क्या मिल रहा है? अगर आपके गांव में भी कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माता को खो दिया, पिता को खो दिया, हमने उसकी भावना को कदर की है। अगर वो आगे पढ़ना चाहता है, प्लस टू के बाद कॉलेज में जाना चाहता है, MBBS की पढ़ाई में सिलेक्ट हो जाता है, IIT की पढ़ाई में सिलेक्ट हो जाता है, पूरी फीस सरकार मुहैया करवाएगी, पूरा हॉस्टल का खर्चा सरकार मुहैया करवाएगी और 4000 रुपया, क्योंकि जब वो कॉलेज में जाएगा तो पॉकेट मनी के लिए भी पैसा होना चाहिए, हमने 4000 रुपया पैसा उसके हर महीने पॉकेट मनी के लिए रखा। तो ये समाज के उन व्यक्तियों की आवाज ये सरकार बनी जिनकी आवाज नहीं थी। ये दूसरा हमारा ऐतिहासिक निर्णय था। आज 4000 बच्चे PhD भी करना चाहते, सरकार की तरफ से उन्हें पूरी वो फीस मिलेगी, हॉस्टल का खर्चा मिलेगा, 4000 रुपया पॉकेट मनी मिलेगी और जब उनकी शादी होगी, शादी के लिए भी 2 लाख रुपया सरकार की तरफ से उपलब्ध होगा। किसी के पास अगर घर के लिए जगह नहीं है, 3 विश्वे सरकार जगह उपलब्ध करवाएगी और उसके लिए 3 विश्वे के बाद 2 लाख रुपया उसको घर बनाने के लिए भी देगी। ये 2 चीजें ऐसी है जो सामाजिक सुरक्षा मुहैया करवाती है। अनाथ बच्चों की कोई आवाज नहीं होती, सरकारी कर्मचारियों की आवाज हो सकती थी, किसान आंदोलन कर सकते थे, रोजगार युवा रोजगार मांगने के लिए रोज आंदोलन कर सकते थे, लेकिन ऐसे समाज में व्यक्ति जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उस आवाज को इस सरकार ने सुना। हम अभी आर्थिक बदहाली से ऊपर उभर ही रहे थे कि इतिहास की सबसे बड़ी आपदा इस प्रदेश में आई और आपदा के समय मैं खुद कुल्लू में, जहां भारी तबाही हुई, घर उजड़ गए, एक छोटा सा आशियाना बना हुआ था एक गरीब आदमी का, वो उजड़ गया, कई मौतें हो गई, 500 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, रात को अपने घर में सोए हुए थे, सुबह लहासा गिरा, वो हमको सबको छोड़कर चले गए। मैं ऐसे ऐसे स्थानों पर गया, मैंने उस पीड़ा को सहा, मैंने उस दर्द को देखा और मेरे मन में आया कि इनके घर बसाने हैं। जो तिनका तिनका जोड़कर अपना घर बनाया है, हिमाचल में कोई बड़ा धनवान नहीं है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनाता है, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है या अधिकारी है, जब वो घर उजड़ जाता है उसके मन पर क्या बीती होगी, उस दृष्टि से हमने उनके भाव को समझा। और जब मैंने देखा पूरे प्रदेश में, जब हमारे पास रात के 2-2 बजे तक हम बैठ के करते रहे, हम क्यों कर रहे थे ये रात के 11 बजे 2 बजे बैठ के, कि हम कुछ ना कुछ हल निकालें। 13000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए, 4000 परिवारों के घर पूरी तरह उजड़ गए, अब उनको बसाने की बात है। और जो BJP के नेता थे, वो आपदा पड़ रही है, 7 जुलाई को आपदा आई, 14 अगस्त की आपदा में एक ही दिन में, हिमाचल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था,
एक ही दिन में 51 लोग अपनी जिंदगी छोड़कर चले गए एक ही दिन में। मैंने 15 अगस्त को कुल्लू जाना था लेकिन पता लगा कि आए दिन आज यहां भी बाढ़ में मौत होगी, यहां लाशा गिरने से मौत होगी। जब ये दर्द हमारे सरकार के सामने लाया गया हमने फैसला किया कि इस चुनौती का हमने सामना करना है। और चुनौती भी उस हालत में जहां जेब में पैसा नहीं है पर दृढ़ निष्ठा है कि इस चुनौती से कैसे लड़ना है। बीजेपी के लोगों से यह सवाल पूछना चाहिए, जब पूरे प्रदेश में आपदा आ रही थी आप लोग विधानसभा सेशन बुलाने की बात कर रहे थे, बार बार ये कह रहे थे कि विधानसभा सेशन बुलाइए। मैंने कहा विधानसभा सेशन हम बुलाएंगे लेकिन इस समय अगर हम विधानसभा सेशन बुलाएंगे तो जितने पुलिस के कर्मचारी बेचारे अधिकारी आपदा से निपटने में लगे हुए हैं वो सब विधानसभा की सुरक्षा में लग जाएंगे। जितने अधिकारी कर्मचारी जो है जो आपदा से निपटने लगे हैं वो सब प्रश्नों का उत्तर देने में लग जाएंगे। फिर भी हमने विधानसभा का सेशन बुलाया। विधानसभा के पहले ही दिन इन लोगों ने प्रस्ताव लाया, हमने भी अपनी सरकार की तरफ से प्रस्ताव लाया और उस पर चर्चा हुई। ये कहा गया कि इस आपदा के समय हिमाचल में अगर कांग्रेस की सरकार है तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है इनको बोलने का अधिक मौका दीजिए। 3 दिन तक बहस चली और उस संकल्प में ये बात थी कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनके प्रस्ताव पारित होना था और केंद्र सरकार को जाना था वो संकल्प। हमारे पार्लियामेंट मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान जी उठे, उन्होंने कहा कि 3 दिन से आप इस आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़े हैं, अब प्रस्ताव के समर्थन में वोट डालिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हिमाचल प्रदेश में आपदा प्रभावित परिवारों के उस प्रस्ताव में आपदा राहत राशि के लिए खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। हमने उस प्रस्ताव को पारित किया। मैं देश के प्रधानमंत्री से मिला, मैं देश के गृह मंत्री से मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिला और ये अनुरोध किया कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए। जब सब तरफ से हार गया मैंने फैसला किया कि इन आपदा प्रभावित परिवारों के पास मुझे खड़ा होना है। और हमारी कैबिनेट ने फैसला लिया, हमने बजट कट किया, सड़कों का बजट कट किया, रोडों का बजट कट किया, लेकिन हम आपदा की चुनौती से निपटने के लिए युद्ध की तरह काम कर रहे थे। आपने देखा होगा सेब सीजन चल रहा था, सड़कें अवरुद्ध थी लेकिन कहीं से आपको ये खबर नहीं आई, फसलें नष्ट हो रही थी कि कहीं सड़कों के कारण नुकसान पहुंचा। और हमने 4500 करोड़ रुपए का आपदा राहत पैकेज दिया, अपने स्रोतों से आपदा राहत पैकेज दिया, बजट कट किया, क्योंकि बजट में आपका अनुमान होता है। और जब हमने आपदा को आपदा प्रभावित परिवारों के नियम देखे तो पूरी तरह मकान नष्ट होने के लिए 1.5 लाख रुपया मिलता है। कितना मिलता है? 1.5 लाख रुपया। ये केंद्र सरकार के नियम भी है, यही राज्य सरकार के भी नियम थे। अब 1.5 लाख रुपया पूरी तरह नष्ट होने वाले मकान को मिले, अगर आप 1.5 लाख रुपये में तो एक बाथरूम भी नहीं बनता है। मैंने फैसला किया, मेरी कैबिनेट के साथियों ने फैसला किया, इन नियमों को बदलना पड़ेगा। और हमने आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए नियम बदले। 1.5 लाख आज भी केंद्र सरकार के द्वारा मिलता है, हमने 1.5 लाख से बढ़ाकर वो राशि 7 लाख रुपया कर दी।
यही नहीं, उसके साथ उसको कहा कि वो एसडीएम के पास जाएगा, आईपीएच के पानी का कनेक्शन भी मुफ्त में कर दिया, बिजली का कनेक्शन भी मुफ्त में कर दिया, और सीमेंट की बोरी भी 280 रुपए प्रति बैग के हिसाब से मिलेगी। ये उसके बाद हमने ये भी कहा कि जो किराए के मकान में रहना चाहता है उसको 31 मार्च 2024 तक शहर में रहने के लिए 10,000 रुपया किराया मिलेगा, गांव में रहने के लिए 5,000 रुपया किराया मिलेगा, और गैस का चूल्हा भी फ्री मिलेगा और 6 महीने खाना भी उसको फ्री मिलेगा। यह सरकार का तीसरा ऐतिहासिक निर्णय था संवेदनशील सरकार का। फिर जो आंशिक रूप से जो घर गिर गए उनको सिर्फ 6500 रुपया मिलता था, हमने उसको भी बढ़ाकर 1,00,000 रुपया किया। तो ये तीन फैसले एक साल में हमारी सरकार ने किए, वो भी उस समय जब हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पूछना चाहिए, क्या कोई एक नेता इनका, कोई क्या कोई एक नेता इनका, इन्हीं की सरकार है केंद्र में, दे आज आपदा प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए मिला? ये आपदा इतिहास की सबसे बड़ी आपदा है, जहां 550 के करीब लोग हमें छोड़कर चले गए, जहां 13,000 घर आंशिक रूप से नष्ट हो गए और 4,000 घर पूर्णतया नष्ट हो गए। एक भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व से मिला कोई नेता? भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता जयराम ठाकुर जी से पूछना चाहिए, क्या कभी गृह मंत्री से मिले कि हमें नहीं आपदा और प्रभावित परिवारों के साथ तो खड़े हो? नहीं मिले, क्योंकि ये सिर्फ वोट की राजनीति करना चाहते हैं। हमने वोट की राजनीति को ध्यान नहीं दिया, हमने सिर्फ आम आदमी गरीब आदमी की मदद करके ये संदेश देना चाहता कि हमारी सरकार हर एक गरीब आदमी के साथ खड़ी है, जिस पर कभी भी कोई मुसीबत आएगी हमारी सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी होगी। यही नहीं, मुझे कई बार कई लोग मिलते हैं, उनके बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, कई सरकारी कर्मचारियों के भी बच्चे होते हैं, उनको पास फीस देने के लिए पैसे नहीं होते। हमारी सरकार ने इस आर्थिक बदहाली के बाद और एक फैसला किया कि जो भी लोग पढ़ना चाहते हैं उन्हें 20,00,000 रुपए का लोन 1% इंटरेस्ट पर मिलेगा। यह सरकार, किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं है। अभी कल और परसों जब मैं दिल्ली में था तो मैं हिमाचल के अधिकार मांग रहा हूं। रेणुका डैम की बात आई, विनय जी ने हमसे बात उठाई कि रेणुका डैम के लिए इतने सालों से काम चल रहा है, कहां से पैसा आएगा? मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से बात की, दिल्ली के केंद्रीय मंत्रियों से बात की, और हम जल्दी ही रेणुका डैम का कार्य भी शुरू करने वाले हैं। किशाऊ की बात आई, कहा कि किशाऊ बांध से पानी दिल्ली को मिलेगा, हरियाणा को मिलेगा, और पैसा कौन देगा? भारत सरकार। तो मैंने कहा हमें क्या फायदा होगा, हमें भी बताइए। कहते जो बिजली बनाएंगे उसके पैसे आप देंगे। मैंने बोला हम पानी नहीं देंगे, अगर आप हमारे को बोलते हैं जिनको प्यास लगी है उसकी प्यास बुझाने के लिए तो केंद्र सरकार 90-10 के अनुसार दे रही है और हमसे पैसे ले रही है, ये तो नहीं माना जाएगा। और मैंने नीतिगत फैसला किया कि अगर बिजली बनाने का खर्चा केंद्र सरकार या हरियाणा की सरकार देगी, हम उन्हें उसकी परमिशन देंगे।
तो ये काम हमारी सरकार कर रही है, क्योंकि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए हमें अपने जो रिसोर्स है उसको शोषण नहीं होने देना। पिछली सरकार जो थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे पास कल मैं आर के सिंह जी से मिला, मैंने उनसे कहा पावर मंत्री है, पूरे ऑफिसर्स की टीम गई, मैंने उनसे कहा कि कम से कम हमारे पास पानी जो है उसका मूल्य तो दीजिए। जो 12% फ्री रॉयल्टी मिलती थी पिछली सरकार ने वो भी मना कर दी कि हम नहीं लेंगे, कि इन्वेस्टमेंट होगा। किस चीज का इन्वेस्टमेंट? ना रोजगार मिलता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को फायदा हो जाता है। हमने सुन्नी लूरी धोला सिद्ध पावर प्रोजेक्ट में जो 3 पावर प्रोजेक्ट थे, हमने कहा कि हम उसका टेक ओवर करेंगे अगर आप 12% हमें फ्री रॉयल्टी नहीं देते। उस पर हमारी बात हुई है, अब बात आगे चढ़ती है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। जब ये पावर प्रोजेक्ट बन जाएंगे तो हमारे पास पैसा है। हम कभी ये सोचकर चले कि आज हम सत्ता में हैं और 5 साल हम आराम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे और सत्ता का आनंद उठाए और 5 साल बाद देखा जाए कि कौन चुनाव जीतता है, तो इस दृष्टि से हम हिमाचल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। हमें हिमाचल को अपने पांव पर खड़ा करना है। युवा की जो भविष्य की पीढ़ी है, जो युवा है, उनको एक दिशा देनी है ताकि हम आत्मनिर्भर हिमाचल की ओर भी बढ़ सके। इसलिए हमारी सरकार काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कामों को लटकाना नहीं चाहते। हाटी समुदाय की बात आई, हाटी समुदाय में पहले 3-4 महीने पहले शिलाई रेणुका जो भी त्रासगिरी क्षेत्र के लोग हमसे मिलने आए, हमने कहा कोई कानून लागू होने से पहले स्पष्टीकरण होना चाहिए। जो अनुसूचित जाति के लोग थे क्या उनको इंक्लूड किया जाए? क्या कोई स्पष्टीकरण नहीं था उसमें? जैसे ही स्पष्टीकरण आया हमने 12 घंटे के बाद पहले हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दे दिया। वो राजनीति कर रहे थे और आगे भी राजनीति करेंगे, क्योंकि एसटी का दर्जा मिलने के बाद रोजगार के अवसर भी तो मिलने चाहिए, और रोजगार के अवसर मिलने के लिए सरकार के पास धन चाहिए, धन। हमने 1 साल के भीतर, अभी 1 साल बना हुआ है, 20,000 रोजगार के अवसर प्रदान किए, और ये 31 मार्च से पहले सब जगह एडवर्टाइजमेंट इनकी हो जाएगी। 6,000 TGT मेडिकल, नॉन मेडिकल, JVT, शास्त्री, बैच वाइज भर्ती शुरू हो गई है, कई जगह तो बैच वाइज खत्म भी हो गई है। अब जो बैच वाइज के अलावा 50% है उसका टेस्ट होना है। 1261 स्पेशल कमांडो फोर्स की भर्ती कर रहे हैं और उसमें भी 30% हम महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। 984 पटवारियों की भर्ती कर रहे हैं, 2061 वन मित्र की भर्ती कर रहे हैं, 600 स्टाफ नर्सिस की भर्ती कर रहे हैं, OTA की भर्ती कर रहे हैं, और तकरीबन 9,000 IPS डिपार्टमेंट में फीटर, इलेक्ट्रीशियन, मल्टीपर्पज वर्कर, पंप ऑपरेटर इनकी भर्ती कर रहे हैं। 1 साल में हम सरकारी क्षेत्र में 20,000 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। सबको सरकारी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन रोजगार के अवसर पैदा किए जाते हैं। तो हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए भी आगे बढ़ रही है। इनके समय क्या होता था? इन्होंने 5 साल में 20,000 लोगों को रोजगार नहीं दिया, पूरे 5 साल में, और जब रोजगार निकाले तो अपने रिश्तेदारों को भर्ती करने के लिए पुलिस का पेपर हुआ तो उसको लीक करवा दिया, पुलिस भर्ती लीक हुई। फिर देखिए
सबोर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड जो है हमीरपुर में था, वहां पेपर बेचे जाते थे, इंटरव्यू निकले और इंटरव्यू में जो बेचारा पढ़ा लिखा माँ बाप का गरीब माँ बाप का बच्चा मेहनत कर रहा था वो सिलेक्ट नहीं हुआ, जिसने पेपर बेचा और खरीदा वो सिलेक्ट हो गया। हमें पता लगा हमारी सरकार बनी, हमने जाल बुना और जो पेपर बेचने वाले लोग थे, जो भर्ती में सिलेक्ट हुए लोग थे, आज सब सलाखों के पीछे है और हमने उस सबोर्डिनेट सिलेक्शन को भंग किया। आज नया राज्य चयन आयोग बना है, कई भर्तियां इनके समय थी, जेओआईटी वाले अभी भी मुझे मिले 817 वाले, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक चले गए। ये सरकार लड़ाई नहीं लड़ सकी, हमने लड़ाई भी लड़ी जीते भी, अब उनके रिजल्ट भी निकाले। ये सरकार की कटिबद्धता होती है। तो हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए आए हैं और इस व्यवस्था परिवर्तन से हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रख रहे हैं, ये हमारा ध्येय। अब हमारा जो केंद्रीय कानून के हिसाब से जो आपदा आई उसमें हमारे जितने रोड हो टूट गए वो हमारा अधिकार है। हमने कानून के दायरे में रह के 9907 करोड़ रुपए का क्लेम भरा। मैं गृह मंत्री जी से मिला, अभी मैं गृह मंत्री जी से मिलने के बाद आज सीधा दिल्ली से यहां आ रहा हूं। मैंने कहा ये हमारा अधिकार है, आप हमें पैसे दीजिए, क्योंकि वो भी सरकार है और उनको पैसा देना है, ये नहीं कि नहीं, वो तो देना है क्योंकि वो तो क्लेम है हमारा। हमने कहा कि 9907 करोड़ में से कम 5000 करोड़ की पहली किस्त तो रिलीज कर दीजिए। उन्होंने बोला कि हम इस पर विचार कर रहे हैं, जल्दी ही आपको देंगे, लेकिन राजनीतिक रूप से वो इसका फायदा उठाना चाहते। हमने तो लोगों को बांट दिया, लेकिन हम अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेंगे। एमपीए का 9000 करोड़ रुपया पड़ा है सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का। मैंने उनसे यह भी कहा कि 9000 करोड़ जो एनपीए का पड़ा है वो भी हमारे सरकार को मिलना चाहिए, कि वो हमारे लोगों का पैसा है, हमारे सरकारी कर्मचारियों का पैसा है, अधिकारियों का पैसा है। और एक साल में अगर हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है, ये ठीक है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रदेश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। यूथ को कैसे रोजगार मिलना है, युवा कैसे रोजगार की तरफ जाए, हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना फेज वन शुरू की, जिसमें जो भी बेचारा डीजल की गाड़ी अगर उसने टैक्सी रखी है या गाड़ी का काम करना चाहता है, तो अगर इलेक्ट्रिकल व्हीकल लेता है, अगर 10 लाख की गाड़ी लेता है तो हम उसे 5 लाख रुपए की सब्सिडी देंगे। और वो आपने देखा मैं शिमला में इलेक्ट्रिकल गाड़ी में छोटी गाड़ी में ही चलता हूं। क्यों चलता हूं? क्योंकि जो हमारा पर्यावरण है उसके हिसाब से हमें अपनी नीतियों को बनाना है। और आज मुझे खुशी है कि 1000 लोगों ने, युवा साथियों ने इलेक्ट्रिकल गाड़ी के लिए अप्लाई किया। अब गांव का किसान कैसे मजबूत हो, गांव के किसान की आय कैसे मजबूत हो, इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हमने कहा कि हमें सोलर एनर्जी में जाना है, जिसके पास 3 बीघा जगह है और धूप वहां अच्छी आती है, वहां सरकार उसे 3 बीघा जगह लेगी, बिजली बोर्ड के साथ उसका समझौता किया जाएगा, अगर उसके पास 10% उससे सिक्योरिटी ली जाएगी, 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट उसको अलॉट किया जाएगा और 20,000 रुपया महीना उसको सरकार देगी, यानी कि साल का 2,40,000 रुपया सरकार देगी, क्योंकि वो जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है 100 किलोवाट का
वो 40 लाख रुपए में लगता है, उसके पास पैसे तो होंगे नहीं उसकी मार्जिनल मनी के लिए, तो सरकार उसकी मार्जिनल मनी को जमा करवाएगी, लेकिन उसे 10% 40 लाख का 10% 4 लाख रुपया उसे सिक्योरिटी के तौर पर रखेगी, और उसके बाद उसको 20,000 रुपया हर महीना मिलता रहेगा और 25 साल तक वो 20,000 रुपया मिलता रहेगा। इस प्रकार की हम सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना अभी हमने कैबिनेट में अप्रूव की है। किसान की आय कैसे बढ़े, हम लोग गांव के लोग हैं, 90% हिमाचल प्रदेश गांव में रहता है। ये ठीक है कि कुछ लोग शहर में पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमारे माँ बाप हम सब लोग गांव में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में सबका एक एक घर होता है। इस दृष्टि से भी हमारी सरकार आने वाले बजट में एक योजना लेकर आ रही है ताकि किसान की आय बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में भी हम व्यापक सुधार करने जा रहे हैं। आज शिक्षा का स्तर हिमाचल प्रदेश में पांचवी का जो बच्चा है, पांचवी का, वो दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता। क्या दूसरी क्लास की किताब नहीं पढ़ पाता? कौन जिम्मेवार है इसके लिए? व्यवस्था जिम्मेवार है इसके लिए। और भारतीय जनता पार्टी की पिछली पांच साल सरकार जो जयराम जी की थी, उसने इस व्यवस्था का भट्ठा ही बढ़ा दिया। स्कूल खोल रहे हैं, टीचर है नहीं, डिस्पेंसरी खोल रहे हैं, डॉक्टर है नहीं, आपकी वेटनरी फार्मेसी की शॉप खोल रहे हैं, डॉक्टर नहीं है, भर्ती किए ही नहीं है कि आप ये एक्सन ऑफिस खोल दो, एसडीएम खोल दो, पहले भर्ती करो उसके बाद खोलो। अगर इन संस्थाओं को, अगर हमने शिक्षा की संस्थाएं जो इन्होंने हर कहीं खोल दी थी, अगर हमने उसको बंद ना किया होता तो प्रदेश की शिक्षा का स्तर और गिर जाता। अब हमने फैसला किया कि जो स्कूल की भर्ती का फैसला भी उस क्षेत्र के स्कूल के एसएमसी के जो वहां के लोकल बच्चों के माँ बाप पढ़ते हैं और जो प्रिंसिपल पढ़ता है, वो फैसला करेगा कि वो कौन सी वर्दी इस स्कूल में लागू होगी। और पहली कक्षा से अगले एकेडमिक सेशन में हमने इंग्लिश को लागू कर दिया। मैं देखता हूं गांव में स्कूल खुला है और क्लस्टर सिस्टम को लागू कर दिया है, पीरियड बेस अभी लेक्चरर्स की नियुक्ति की जाएगी। कोई भी स्कूल इस समय तो कई बच्चे खाली पड़े हैं, स्कूलों में टीचर है, प्राइमरी का में 5 क्लासेज है तो ए भी टीचर पढ़ा रहा है। कोई भी स्कूल अगले साल से शिक्षक के बगैर नहीं रहेगा, ये हमारा प्रण। हेल्थ केयर सिस्टम में मेडिकल कॉलेज तो हमने खोल दिए, लेकिन टेक्नोलॉजी निचले स्तर की है, यहां से बीमारी का पता लगता है, पीजीआई जाता है, पीजीआई से धक्के खाता है, दिल्ली जाता है। हमने उसमें भी सुधार किया है, वर्ल्ड क्लास हाई एंड टेक्नोलॉजी के लिए आने वाले समय में हमने टेंडर किया है। तो अगले साल आप देखेंगे कि सबसे अच्छी सिटी स्कैन, मैं जब जाता हूं पूछता हूं सिटी स्कैन वाले, मशीन खराब है, एमआरआई की मशीन खराब है, ऐसी व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के नेता देकर आए। अब चुनाव आएंगे, चुनावों में राजनीतिक मुद्दे उठाएंगे, हम चुनावों के को ध्यान में रख के काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा करके को ध्यान में रखकर काम करते हैं। गांव के किसान की सेवा कैसे होनी है, आम आदमी की सेवा कैसे होनी है, उस ढंग से हम नीतियां बनाते हैं और हम इस दिशा से आगे बढ़ रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपको विश्वास रखना होगा, कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल प्रदेश अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता। हिमाचल प्रदेश आने वाले 4 साल में 2027 तक आत्मनिर्भर बनेगा और 2032 तक हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे अमीर राज्य बनेगा, सबसे समृद्धशाली राज्य बनेगा। इसका फायदा किसान को होगा, इसका फायदा युवाओं को होगा। इस दृष्टि से हमारी सरकार कार्य कर रही है। मैं सिर्फ अब इतना कहना चाहूंगा कि सोलंकी जी ने कुछ मांगे रखी है और मेडिकल कॉलेज का काम, अभी जब मुझे सोलंकी जी ने बताया तो उस समय मैंने
चीफ सेक्रेटरी साहब की ड्यूटी लगाई है कि इसका फैसला भी करिए कि यहाँ मेडिकल कॉलेज इतने साल से बंद क्यों नहीं रहा। तो पता लगा ठेकेदारों का झगड़ा है 2 साल से, हम उसमें तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी करेंगे। इसके अलावा हमारे जो लंकी जी है विधायक साहब, हमेशा आपके लिए आते रहते हैं, नाहन के लोगों के लिए 12 करोड़ रुपया उन्होंने बमपरी पालिया भोगपुर सिंबावाला रोड के लिए मांगे हैं, उसमें एक ब्रिज भी है, ये मैं इनको स्वीकृत करता हूं। और 9 करोड़ रुपया इन्होंने मांगा विक्रम बाग पालिया त्रिलोकपुर के लिए, एक ब्रिज के लिए मांगा इन्होंने पथराला डबल लेन स्लैब ब्रिज ओवर पथराला 3.5 करोड़ रुपया, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं। और एक पंचायत है इनकी विक्रम बाग अम्बाला सैनवाला काला अम्ब देवानी, यही वाली है, इसके लिए भी इन्होंने मांगा है 3.5 करोड़ रुपया, तीनों को मैं देने की घोषणा करता हूँ। एक बनोकधार क्यारी टू सब्जी मंडी कांशी वाला रोड 10 करोड़ रुपया इसके लिए मांगा है, ये नाहन पंचायत नाहन सिटी सैन किसार अम्बाला सैनीवाल इन सबको जोड़ेगी। विकास में हम पैसे की कमी नहीं आने देंगे, लेकिन आपने एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये आम लोगों की सरकार है, आप लोगों की सरकार है, और जब आम लोग और किसान और गरीब और आम आदमी की सरकार आती है उसके मन में संवेदनशीलता होती है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह डबरू नहीं बजाते कि डबल इंजन की सरकार है डबल इंजन की सरकार है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी सेवा में जो हमें मौका दिया है उस मौके को आम आदमी तक पहुंचाया जाए, आम आदमी के दुख दर्द को बांटा जाए, यही हमारी कांग्रेस सरकार की नीति है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं नाहन के और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से आए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत।